एमसी प्रेसिडेंट बारामूला उमर साहब, एडीडीसी बारामूला, एडीसी बारामूला, जेडीपी, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो यहाँ आए हुए हैं, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला, मीडिया पर्सन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज के दिन की जो यूटी दिवस है या जिसको हम एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूटी दिवस या यूनिटी दिवस, इसको यूटी दिवस भी कहते हैं, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नोइंग, एंड यूनिटी दिवस क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिवस है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये बर्थडे भी है, 31 अक्टूबर इसको मनाया जाता है, इसकी मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे एंकर ने भी यहाँ बताया, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये जो बर्थडे है 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही है हमारी देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी में, वो अनपैरेलल्ड है। चाहे वो देश की आज़ादी हो या देश की आज़ादी के बाद डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट्स, उनकी यूनिफिकेशन में उनका काम रहा हो, वो अनपैरेलल्ड है। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री। इनफैक्ट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जिस सर्विस को मैं बिलोंग करती हूँ, IAS, उसको फ्रेम करने में, उसके प्रिंसिपल्स लेड डाउन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिसको स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री कहते हैं। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है आज मनाई जाती है और ये एक यादगार है हमारे बच्चों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कि अगर आपकी सोच और इंटेंशन सही हो तो आप इतनी बड़ी कंट्री, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वी हैव ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, we have a diversity of religion, region, languages, हर तरह की diversity यहाँ पर है, मगर उसके बावजूद हम एक हैं। We have unity in diversity. That is why he was called the Iron Man of India. हम सिर्फ उन्हीं को tributes नहीं pay कर रहे, बल्कि उन सारे freedom fighters को जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उन सबको tributes पे करते हैं। और इसके साथ साथ आज जो हमने ये प्लेज किया है यूनिटी दिवस पे या यूटी दिवस पे, वो यही प्लेज किया है कि हम अपने देश की, अपने भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए अपनी सोच, अपने कर्म और हर तरह की जितनी भी हमारी काविशें हैं, कोशिशें हैं, वो खपा देंगे। हमें ये याद रखना है कि हमें अपने देश कि यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए हर पल काम करना है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो जिन्होंने अपनी जानें इसके लिए कुर्बान की, या चाहे वो हमारे सिविलियंस हो, आम नागरिक हो, आप जैसे बच्चे हो, या वो लोग हो जो अपना, चाहे वो शॉप चलाते हो, कारोबार करते हो, ट्रेड करते हो, किसी भी तरह का काम करते हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जब तक हम इस बारे में सोचेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, ये खुद ब खुद हमारा देश जो है महान नहीं बनेगा। We will continue to remain a third world country if we don't strive for its development, और हर development के लिए peace सबसे fundamental है, और उसी peace के under ही हम हर चीज develop कर सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 4 साल में हर सेक्टर में डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उन्हीं की तरह बारामूला में भी, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो विंटर क्रॉपिंग हो, जिससे कि हम सिंगल क्रॉप से डबल क्रॉपिंग की तरफ गए हैं, मिल्क डेफिसिट से मिल्क सरप्लस की तरफ गए हैं, 100% ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की तरफ गए हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बेटियों ने हमारा नाम रोशन किया। हर तरह के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले लो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो KS का एग्जाम हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, हमारे बच्चों ने हमारा सर ऊंचा किया। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब बच्चे, हमारे बारामूला का हर बच्चा जो है,
हमारा नाम रोशन करें और हमारी सिर्फ स्टेट में नहीं बल्कि पूरी कंट्री में पूरी दुनिया में कुछ ऐसे मार्क्स छोड़ के जाए जिसे उन्हें नहीं उनके खानदान को उनकी कम्युनिटीज को उनकी सोसाइटीज को याद किया जाए। रामधारी सिंह दिनकर जी जो एक बहुत महान पोएट गुजरे हैं उनकी मैं कुछ पंक्तियां अपने बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हमारी ये जो नेक्स्ट जेनरेशन है वो दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें सक्सेसफुल होना है हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग एक बेटर पर्सन बनना है तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है शूरमा नहीं विचलित होते पर एक नहीं धीरज खोते विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में भी राह बनाते हैं है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में हम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। I urge every child, every student present here and listening to us through any media that they need to think, actively participate and implement the principles of unity, brotherhood, communal harmony in their lives. Definite goals, hard work, empathy and a higher purpose in life are the guiding principles of any meaningful existence. I really commend the organizers here. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम था आप सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना आज यूनिटी दिवस पे हम सब एक साथ मिलके ये सोचें और दृढ़ निश्चय करें कि हमने अपने स्कूल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कम्युनिटी को अपने किसी भी पार्ट पे जहाँ पर हम बिलोंग करते हैं उसको बेटर बनाना है और वो तभी हो सकता है जब हम यकजहती से रहें जब हम एक दूसरे का साथ दें वी रिस्पेक्ट द अदर the other religion, the other culture, the other language and live in peaceful coexistence. Thank you, Jai Hind.